सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज का आपके सामने जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ वे इम्यूनिटी है। आपको पता है कि हम सब जीवों के शरीर जो एक होस्ट है, एक सजीव जगत है जिसमें क्या होता है कि बहुत तरह की बीमारियाँ होती रहती हैं। उस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए या तो हमारा शरीर खुद उसके लिए अनुकूलित होता है या हम बाहर से शरीर में डालते हैं ताकि हम किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। बहुत तरह के रोग्स होते हैं जो हमारा एक होस्ट, हमारा एक शरीर जो है कि होस्ट के रूप में काम करता है और बाहर के रोग हमारे शरीर में इंटर करते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं। इम्यूनिटी एक ऐसी व्यवस्था होती है कि हम किसी भी रोग से हम लड़ सकें और लड़ करके हम अपने शरीर को क्या करें, सुचारू रूप से चलने दें, जिससे क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। ये सब जितने भी तरह की चीज़ें होती हैं, जो रोग्स होते हैं, डिजीज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जो हमारे शरीर में इंटर करते हैं, वो हमारे शरीर के काम करने के जो तरीके हैं, प्रणाली हैं, उनकी जो दक्षता है उसमें रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में इसकी व्यवस्था की गई है ताकि इससे शरीर को दूर रखा जाए। तो इसमें देखिएगा, इसको हम इम्यूनिटी के अंतर्गत करते हैं। इम्यूनिटी को इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत भी रखा गया है। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है वो साइंस जिसका हम इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम है क्या, इम्यूनिटी क्या है, शरीर की सुरक्षा प्रणाली। तो इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर की एक योग्यता होती है, एबिलिटी ऑफ डिफेंड और रेसिस्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। शरीर में कोई रोग विकसित ना करे उस शरीर को बचाना है, या बचाने की योग्यता है, काबिलियत हमारे शरीर में कि कोई रोग घुस रहा है तो उसको दूर फेंके, रेसिस्ट करे, उसको आने नहीं दे। ये शरीर की अपनी योग्यता होती है या उसको रोक सके। तो ये जो हमारे शरीर में व्यवस्था है वो दो तरह का होता है। एक देखिएगा इनेट इम्यूनिटी है और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी को इनबोर्न इम्यूनिटी कहा जाता है। इनबोर्न इम्यूनिटी का मतलब होता है जो जन्म से मिलता है, जो ऐसी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है जो हम बाद में हम बाहर से शरीर में डालते हैं। ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है। तो सबसे पहले हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है सिंस बर्थ होता है, बर्थ से होता है, सिंस बर्थ, यानी जो बच्चा जन्म लेता है पेट से ही, वो पेट से ही इसका डेवलपमेंट हो जाता है। एक्चुअली ये हेरिटेबल है, इसमें जो शरीर से यानी रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है जन्म से हो जाता है, यानी पेरेंटल गाइड है। जब बच्चा पेट में रहता है उसी समय इसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये इनेट इम्यूनिटी में आता है, बर्थ से हेरिटेबल है, ये नॉन पैथोजेनिक है, इसमें पैथोजेनिक नहीं होता, नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक है, किसी पर्टिकुलर पैथोजेनिक से स्पेसिफिक नहीं है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। इनेट इम्यूनिटी में पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक नहीं होता है, ये डायरेक्ट हमारे शरीर के अंतर्गत ये डेवलप किया गया है और वो शरीर से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटीज होती हैं हमारे शरीर में चार तरह के बैरियर उत्पन्न करती है, जो आपको एनसीईआरटी में मेंशंस है। वो चार तरह का जो बैरियर जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है वो हमें देखना है। पहला बैरियर्स होता है फिजिकल, फोर तरह के, इसमें फोर काइंड्स होते हैं। फोर काइंड्स ऑफ बैरियर, नंबर वन में है आपका फिजिकल बैरियर, नंबर वन में फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में कौन कौन आता है, जिसे देखिए स्किन है, ये स्किन फिजिकल बैरियर है, और इसके अलावा जो म्यूकस की लाइनिंग है, स्किन और म्यूकस कोटिंग, ये दोनों याद रखिए, ये फिजिकल बैरियर में आता है।
हमारा शरीर का जो स्किन्स होते हैं वो स्किन काफ़ी अनुकूलित होता है रोग से रोकने के लिए। म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकस कोटिंग कहाँ रहता है, गट के अंतर्गत, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत, यूरोजेनाइटल सिस्टम के अंतर्गत, ये गट में होता है। ये जो म्यूकस की कोटिंग होती है गट, गट किसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो अंदर का लेयर होता है वो म्यूकस कोटिंग होती है, प्लस रिस्पायरेटरी है, रेस्पायरेटरी ट्यूब है, और तीसरा है यूरोजेनाइटल सिस्टम है, यूरोजेनाइटल ट्यूब, जितने भी यूरोजेनाइटल लगे तो ये सब जो भी सेक्टर्स होते हैं वो सेक्टर्स में फिजिकल बैरियर्स होता है, यानी कि एक स्किन हो गया और दूसरा म्यूकस की कोटिंग हो गई, ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये अपने लेवल से करता है, और ये स्किन बाहर है और ये अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर की जो लेयर होती है वो अंदर की जो लेयर होती है ये एलिमेंट्री कैनाल की, इसके अंदर का जो लेयर होता है अंदर वाला ल्यूमेन वाला वो आपका म्यूकस कोटिंग होती है, तो वहाँ पर भी डिफेंसिव है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। नंबर बी नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो शरीर में फंक्शनल एक्टिविटी करते हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है HCL ऑफ द स्टमक, दूसरा है आंख का जो आंसू होता है टीयर्स, टीयर्स फ्रॉम आईज, और तीसरा है सिलाइवा। ये देखिए तीन सेक्टर ये भी दिया गया है, ये अपने तरीके से काम करते हैं, जैसे कि स्टोमिक है, हम लोग जानते हैं कि स्टोमिक में HCL होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, तो HCL जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड जो होता है वो रोगों को मारता है, हम खाते हैं खाना के जरिए जो भी पैथोजन, जो भी बैक्टीरिया वायरस इंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय। आँख है, आँख से आंसू निकलते हैं, तो उस आंसू में भी आपका कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़ने का काम करता है, उसी तरह से सलाइवा है जो मुंह से लार निकलता है, उसमें भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हमारा वो रोग से लड़ने की काबिलियत होती है। वैसे हम आपको शॉर्टकट ये बता देते हैं कि सलाइवा है और टीयर्स है, उसमें एक तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सलाइवा में एक तरह का प्रोटीन्स पाया जाता है, उस प्रोटीन्स का नाम है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम्स होता है। लाइसोजाइम क्या करता है कि रोगों को मारने का काम करता है, कि आँख है, आँख का जो आंसू का एरिया है उसके माध्यम से अंदर नहीं जाए, मुंह में है तो मुंह में लार है, सलाइवा है, उसके माध्यम से अंदर नहीं जाते, यहाँ भी स्टार्ट हो जाता है डिफेंसिव सिस्टम, आँख का डिफेंसिव सिस्टम, मुँह से इंटर करने का जो भी इनलेट है, जो भी जाने का रास्ता है, वहाँ भी सिस्टम बना हुआ है, तो ये आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। स्टोमिक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आँख से जो आंसू निकलते हैं वो, माउथ में जो सलाइवा निकलता है वो, इधर एसिड है ही, और इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे शरीर में इंटर करने की जगह पर रहते हैं और उसे किल करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। तीसरा है सेलुलर बैरियर्स, और थर्ड नंबर पर आएंगे, चार तरह का बैरियर्स हम लोगों ने देख रहे हैं। तीसरा है सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर जो बैरियर्स होता है, सेल लेवल का जो बैरियर्स होता है उसमें WBC के टाइप होते हैं, टाइप ऑफ WBC में कुछ सेल्स होते हैं जिसका नाम है
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। अरे मैं लिख देते हूँ, नंबर टू में मोनोसाइट, देखिए ये चार तरह के डब्ल्यूबीसी हैं। जैसे पहला है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये पहला हो गया, दोनों हो गया, दूसरा हो गया मोनोसाइट, तीसरा हो गया लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को नेचुरल किलर्स भी कहा जाता है, और चौथा हो गया मैक्रोफाजेस। तो ये चारों जो सदस्य होते हैं डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं, ये किसी भी पैथोजेंस को क्या करते हैं कि आपको फैगोसाइट्स करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय द आपको डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये चारों आप ये चारों याद रखेंगे, इन्हें कम्युनिटी का आपका सेलुलर बैरियर्स है। सेलुलर बैरियर्स में आपका डब्ल्यूबीसी, ये चारों टाइप कंपलसरी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये चारों दे देंगे और एक में गलत दे दिया जाएगा, कहेगा कि भाई इनकरेक्ट को स्टेटमेंट कौन है, इनकरेक्ट बताएंगे, तीन को सही रहेगा, ये तो तीन को गलत रहेगा, कोई और सेल दे सकता है, और एक सही रहेगा, कहेगा कि करेक्ट स्टेटमेंट मिलेगा। तो जब तक कि चारों आपको याद नहीं रहेंगे नहीं। पहला पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, दूसरा मोनोसाइट, तीसरा लिम्फोसाइट, और चौथा मैक्रोफॉज। ये सब के सब क्या करते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, ये बाय बर्थ है और ये डिफेंस का काम करता है। एक और सेक्टर हम आपको बताते हैं और वो है साइटोकाइनिन बैरियर्स। ये आपने को देख लिया, इसको एकदम याद कर लेना है, एकदम ही वो यही क्वेश्चन आता है। साइटोकाइनिन बैरियर्स ये है साइटोकाइनिन बैरियर्स। साइटोकाइनिन बैरियर्स में क्या होता है कि कोई वायरस, इसमें एक तरह के प्रोटीन रिलीज होते हैं, प्रोटीन्स होता है जिसको कहते हैं इंटरफेरॉन, एक तरह का प्रोटीन रिलीज होता है इंटरफेरॉन। ये देखिए हमने एक वर्ड लिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान ये देना है कि जब कोई भी वायरस किसी भी सेल पर इन्फेक्ट करता है, मान लिया मैं आपको दे रहे हैं ये सेल है आप, ठीक हो गया। अब ये कोई वायरस है, ये आपका वायरस है, दिस इज द वायरस। बहुत सिंपल चीज है, वायरस इस पर अटैक किया, ठीक है, ये है सेल, ये आपका सेल हो गया, वायरस जो है सेल पर अटैक किया, तो ये सेल क्या करेगा, एक तरह का प्रोटीन निकालेगा, इन प्रोटीन निकालेगा जिसको कहते हैं इंटर, हमेशा याद रखिएगा, ये हो गया इन्फेक्टेड सेल। आपका साइटोकाइनिन बैरियर्स में जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एक तरह का प्रोटीन निकालता है, उस प्रोटीन का नाम इंटरफेरॉन है। अब ये क्या करता है कि बगल वाला जो सेल्स होता है न्यूरोनिंग सेल्स को सूचित कर देता है, मान लीजिए कि बगल में ये सेल,
ये यहाँ चलाता है, इन्फॉर्म है, ये नेबरिंग सेल है, ये नन इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्फेक्टेड सेल नन इन्फेक्टेड सेल्स को इस तरीके से सूचित करता है, अलर्ट करता है और तैयार करता है इस प्रोटीन के माध्यम से, इंटरफेरॉन प्रोटीन के माध्यम से। तो एग्जाम में आता है कि वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उससे किस तरह का प्रोटीन निकलता है, तो आपको बताना होगा इंटरफेरॉन। बहुत तरह का प्रोटीन का लिस्ट दे देगा, चार तरह का उसमें इंटरफेरॉन रहेगा, उसको आपको याद रखना होगा। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स यानी कि इंटरफेरॉन कहाँ से निकलता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से निकलता है। क्यों निकलता है, तो अपने नन इन्फेक्टेड सेल्स या नेबरिंग सेल्स को सूचित करने के लिए, ताकि वो इससे अपना लड़ने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए तरीका ढूंढे। तो इस तरीके से ये आपका इनेट इम्यूनिटी है। आज हमने इनेट इम्यूनिटी में जितने भी तरह की व्यवस्थाएं बताए, चाहे वो फिजिकल बैरियर हो, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो, सेलुलर बैरियर हो या साइटोकाइनिन बैरियर हो, ये चारों तरह का बैरियर बाय बर्थ होता है। ये बाहर से हमको कोई मिलता उलता नहीं है, बल्कि हमें पैरेंटल से मिलता है, हमको हेरिडिटरी से मिलती है। शरीर खुद इसके लिए तैयार करता है कि चलो भाई बाहरी दुनिया में जा रहे हैं तो पहले से हम तैयार कर देते हैं। तो ये था इनेट इम्यूनिटी। हमने जो भी चीज़ें बताई उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू।